टाइम्स एचडी कविता चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सब एचडी कविता चैनल में अंत तक बने रहें, अंत तक वीडियो को देखें। हम देखिए जा रहे हैं दीघा घाट जा रहे हैं। आज गंगा स्नान है, गंगा स्नान जा रहे हैं, वहाँ घूमते हैं। देखिए सूर्य भगवान उठे हुए जागे हुए हैं, सुबह की टाइम है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी जा रहे हैं। देखिए दीघा वाले रोड में से अभी गली में आ चुके हैं। देखिए अभी जा रहे हैं दीघा घाट। तो आप सबसे उम्मीद करते हैं कि आप सब मेरी वीडियो में अंत तक बने रहें और देखिए कि हम मतलब आगे जा रहे हैं, आप सबको क्या दिखाने वाले हैं। तो इंतज़ार करें और मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें और देखने के लिए तैयार रहें। देखिए हम अब कहाँ जा रहे हैं, आप लोगों को दिखाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। अभी सुबह की टाइम है, हम जा रहे थे सुबह की 7:07 हो चुका है। अभी हम जाने वाले थे डॉक्टर पास, लेकिन डॉक्टर को क्लिनिक बंद है। तो अभी मम्मी उम्मी अभी आई हुई है गंगा घाट नहाने के लिए, गंगा स्नान है, तो हम भी सोचे थोड़ा मिल लेते हैं और इसी बहाने घूम भी लेंगे। तो देखिए अभी पहुंचने वाले हैं, अभी तो रास्ते में है, गली में है, मतलब रास्ते की गली में है। अभी देखिए थोड़ी देर बाद पहुंचने वाले हैं, पहुंच कर आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि हम कहाँ हैं, पहुंच चुके हैं, दिखाते हैं आपको। देखिए अभी हम रास्ते में हैं, तो लाइन पे बने हैं। मेरी वीडियो में लाइन पे बने रहे। देखिए चंदा मामा कितनी, सूरज भगवान कितनी अच्छे मतलब लाल दिख रहे हैं सुबह के टाइम का। तो हाँ दोस्तों, देखिए आगे जो पुल दिख रहा है आप लोग देख सकते हैं, ये पुल मतलब गंगा जी के बीच बीच में बनी हुई है और ये पुल के अंदर से हम लोग मतलब हेल कर पार करने वाले हैं, घुस कर पार करेंगे। आप देखिएगा कि मतलब आप लोगों को दिखा रहे हैं, जब बारिश का दिन आता है, बाढ़ आ जाता है, तो इसमें पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है। भरने की वजह से इसके अंदर से कोई आदमी पार नहीं करता है और पार नहीं करता है। अभी तो फिलहाल पानी नहीं है, इसके लिए हम लोग इसी के अंदर से पार कर रहे हैं। बाइक से हम हैं, बाइक से जा रहे हैं। आप सब देख सकते हैं कि चार चक्का भी आगे जा रहा है और यहाँ ऑटो रिक्शा जिसको जो मर्जी आ रहा है वो गाड़ी से आगे निकल चुका है, क्योंकि आज गंगा स्नान है। देखिएगा आप लोगों को दिखा रहे हैं कितनी भीड़ रहती है, यहाँ लोग कितने दूर दूर से आते हैं और यहाँ गंगा स्नान करते हैं। आप लोग देखिएगा मेरी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, हम आगे आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पर मेरी फैमिली लोग हैं, यहाँ हमारे परिवार खड़े हैं। देखिए सब ऑटो से आए हुए हैं। चलिए आप सब यहाँ पर खड़े क्यों हैं, ऑटो को आगे बढ़ाइए ना। सब यहाँ वेट कर रहे हैं, टेम्पो से उतार रहे हैं नीचे और इसके बाद उतार कर यहाँ से पैदल जाएंगे, इसलिए ताकि यहाँ से ऑटो आगे नहीं बढ़ सकती है। बहुत भीड़ है तो चार चक्के ऑटो आगे नहीं जा सकता, हम लोग तो जाएंगे क्योंकि हमको दो चक्का है, बाइक से हम जा रहे हैं इसलिए हम जाएंगे, बाकी ये लोग नहीं जाएंगे चार चक्के से। देखिए हम आगे बढ़ेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। तो आप लोग आइएगा पीछे से, हम आगे चलते हैं। देखिए हमारे फैमिली यहाँ खड़ी है, अब हम आगे निकलने वाले हैं, ये लोग यहाँ से फिर अपना आएंगे। चलिए हम चलते हैं, देखिए अब हम जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों आगे कितनी भीड़ है, यहाँ सब अपना अपना ऑटो इधर लगा चुके हैं, चार चक्का भी उसे भी साइड को खड़े कर दिए हैं क्योंकि आगे नहीं जा सकता। आप लोगों को बताया थी इसे पहले कि आगे इसे नहीं जा सकता है, क्या कि घाट पे पहुँच चुके हैं सब, इसलिए आगे नहीं जा सकता है, इसलिए सब अपने चार चक्के को इधर साइड में लगा दिए हैं। अब साइड देख कर हम भी आगे निकलेंगे क्योंकि जाम में फंसे हुए हैं, यहाँ से आगे नहीं जा पा रहे हैं।
अब देखिए आगे निकल रहे हैं हम सबको साइड लेकर, धीरे धीरे आराम से आगे जा रहे हैं। आगे जाने के बाद देख सकते हैं आप लोग कितनी दूर तक सब रेत दिख रहा है। इस रेत के बीच में एक वो जो पुल दिख रहा है वो गंगा जी के बीच बीच का पुल बना हुआ है। बीच में जो पुल बना हुआ है पानी को पार करते हुए जो गया है, ये गंगा पार ओ पार्टी तक चले जाता है। जब ओ पार्टी जाने के बाद प्लीज आप लोग देख सकते हैं जो पुल दिख रहा है वो पुल दो तल्ला टाइप के दिख रहा है। दो तल्ला टाइप के जो दिख रहा है तो सबसे नीचे जो है उस पर ट्रेन चलती है, उसके ऊपर जो है तो उस पर गाड़ी ऑटो बस ये सब चलता है। तो आप लोग देख सकते हैं जब बारिश बाढ़ आती है पानी इसमें भरती है तो सब भर चुका रहता है। इसमें फिर कोई आदमी दिखेगा नहीं, पुल के ऊपर जो दिखेगा वही दिखेगा, नीचे कोई आदमी नहीं रहता है। इसलिए ताकि पानी भरी रहती है तो लोग नहीं रहता, लेकिन अभी फिलहाल पानी सूख चुकी है। सबसे लास्ट में चले गए गंगा मैया, तो सब लोग देखिए किनारे जाकर सब स्नान कर रहे हैं। फिर भी बहुत दूर तक पानी है, गंगा माँ बहुत चौलाई में है, इनकी चौलाई को भी नापी नहीं जा सकती कितनी दूर तक है। लेकिन आप देख सकते हैं कि लोग कितनी भीड़ लगाए रखे हैं नहाने के लिए। और देखिए आप प्लीज आप लोग देख सकते हैं, देखने की चीज़ है, जैसे लग रहा है कि दशहरा मेला दुर्गा पूजा का है उस टाइप का इतना भीड़ है। इसलिए यहाँ पर सब आदमी भीड़ लगाए हैं वो गंगा जी नहाने के लिए, छोटे बच्चे बड़े बूढ़े जवान सब लोग यहाँ है। देखिए छोटा बच्चा लोग भी है यहाँ, सब स्नान करने के लिए सब लोग आते हैं। जानते हैं इसमें यहाँ स्नान के लिए क्यों आते हैं, क्योंकि जो आदमी बीमार रहता है, दुखी है, परेशान है, बुढ़ी है, पुण्य है, पापी है, सब यहाँ स्नान करने इसलिए आते हैं ताकि हम स्नान करके अपना पुण्य कमाएं। हम बीमार हैं तो यहाँ नहा कर अपने बीमारी को दूर करें और सुख शांति पाएं। अब देखिए मेरी मम्मी बुला रही है डब्बा लेकर आने के लिए, जा रहे हैं गंगा जी का पानी ले जाने। गंगा जल जो होता है, गंगा जल घर ले जाएंगे, पूजा पाठ में जल काम आती है। यहाँ का जल बहुत नामी है और मतलब क्या बता सकता है, बहुत ही काम आता है। जो भी पूजा करें गल घर में छिड़काव होता है, पूजा पाठ हर पूजा में काम आता है, शादी विवाह कथा पूजा सब चीज़ में काम आती है। तो देखिए हम डब्बा लेके जा रहे हैं अभी, यहाँ से डब्बा में दो डब्बा जल लेकर जाएंगे घर पे। मेरी मम्मी पूजा कर रही है तो हम तो नहा नहीं सकते हैं, इसलिए कि मेरी तबीयत इतनी ख़राब है कि गंगा जल का पानी जो है हमको हर्ज करने वाला है। तो मेरी मम्मी का कहना है कि तुम नहाओ मत। अब देखिए हम पानी के अंदर जा रहे हैं, पानी से हाथ गोड़ धो लेंगे, पानी को छिड़काव कर लेंगे। पानी को छिड़काव करने के बाद भगवान से प्रार्थना करेंगे। देखिए आप लोग देख सकते हैं अब हाथ जोड़कर सॉरी बोलेंगे भगवान को, और बोलने के बाद भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान हम नहा तो नहीं पाए लेकिन हमें माफ करिएगा क्योंकि हम ऑलरेडी बीमार हैं, हमें आप मतलब अपनी आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। अब देखिए यहाँ से जा रहे हैं मेरी मम्मी, वहाँ पे पूजा कर रही है, वहाँ गोड़ लागेंगे, दीप दूप जलाएंगे। तो देखिए हम यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं, धूप दीप जला रहे हैं। ये जो मखना हो, ये देखिए मेरी मम्मी है, दीदी थी। अब यहाँ से हम वापस घर लौटने वाले हैं। ये मेरी दीदी है, अब यहाँ लोग चावल, यहाँ आने का नियम है जो भी आदमी आता है चावल लेकर आता है, यहाँ सभी को चावल दिया जाता है। देखिएगा आप लोग, हम अभी सबको चावल देने जा रहे हैं।
देखिए आप सबको चावल दे रहे हैं हम, आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ यही नियम है, जो भी गंगा घाट आता है तो प्लीज आप लोग भी आए और यहाँ आने के बाद नहान धोन कीजिए और चावल जरूर लेकर आइएगा। और चावल लेके आने के बाद इसी तरह सब नहाने के बाद सबको फिर दिया जाता है। देखिए हम भी दे रहे हैं, मेरी मम्मी है, दीदी आगे दे रही है, हम भी दे रहे हैं। तो बाय दोस्तों। बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय, सी यू।